वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, हम अब दोनों टॉपिक्स को कंबाइन करने वाले और आज का जो दूसरा टॉपिक है उसको भी मैं थोड़ा बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने फेवरेट मेहमान का तारीफ करवाती हूँ। चलिए हमारे पास जनाब डॉक्टर राफिया रफीक हमें ज्वाइन करेंगी जो कि साइकोलॉजिस्ट है। वेलकम टू द शो डॉक्टर राफिया, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जनाब, हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बच्चे को रेज करना डिफरेंट, जो कह लेना जैसे मालवी ने कहा कि आप बहुत सारे मसाले एक चीज में ऐड कर दें तो वो भी कुछ जायका खराब हो जाता है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी भी हमने डिस्कस की। तो डॉक्टर राफिया, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि हम बात करते हैं कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चा जॉइंट फैमिली सिस्टम से सीखता है, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अच्छा, बेसिकली देखिए, अभी आप लोगों ने बात की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स। इट डिपेंड्स कि जॉइंट फैमिली सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है। इफ द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम आर लिविंग कोहेसिवली, प्यार है, मोहब्बत है, आपस में लेन देन है, अच्छी एक है, और डिपेंडिंग के फर्दर के ये कितना एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर है, क्या इसके अंदर चार पांच भाइयों की फैमिलीज हैं या सिर्फ दादा दादी हैं, वो इम्पोर्टेंट है, डिपेंड करता है ना स्ट्रक्चर पे। जॉइंट फैमिली वैसे भी नहीं, एग्जैक्टली हाँ। तो मेरा ख्याल में आई एम अमंग दोज हु इज अ स्ट्रांग सपोर्टर ऑफ अ गुड कोहेसिव जॉइंट फैमिली सिस्टम। नहीं तो ना रखें आप आर पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा मेरे बच्चे दे वर ब्रॉट अप इन जॉइंट फैमिली सिस्टम और मुझे लगता है कि सोशली दे आर बेटर ऑफ देन इन गिविंग एंड टेकिंग और बहुत सी और चीजों में बाकी बच्चों से, और वो इजीली एडजस्टेबल है। तो अगर आप देखें तो अगर उसके ड्रॉबैक्स देखें तो अगर एक बच्चे को सपोज एक बंदा उसको जो है वो कोई कंडेम कर रहा है तो वो दूसरा बंदा भी स्टार्ट हो जाता है, तीसरा भी फैमिली मेंबर, तो बच्चे का सेल्फ एस्टीम बड़ा लो होना शुरू हो जाता है। तो उसके नेगेटिव इस तरीके से भी हैं, साथ बच्चे को बड़े डबल बाइंड मैसेजेस मिल रहे होते हैं, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं आपके, बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, तो बच्चे के अंदर एक इम्बेबलेंस की फीलिंग आ जाती है। बच्चे को राइट एंड रॉन्ग को अंडरस्टैंड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मेरे ख्याल में दोनों वेज देखने चाहिए कि बच्चे की अगर उसकी ग्रोथ पॉजिटिव हो रही है, उसकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है, तो मेरे ख्याल में जॉइंट फैमिली सिस्टम इज वेरी गुड। स्पेसिफिकली सरोगेट्स होते हैं, आपके अपने पेरेंट्स अवेलेबल नहीं तो आपके दादा दादी, आपके चाचा चाची सरोगेट एक्ट करेंगे। तो अगर नहीं तो फिर वो एक कह लें कि वो बेचारे जो हैं बच्चे वो ज्यादा पिसते हैं, वो ज्यादा उनके साथ हाँ वो ज्यादा मसले होते हैं। टाइम जो पेरेंट्स देना चाहिए बच्चों को वो जॉइंट फैमिली में टाइम्स नहीं दे सकते, बिकॉज उन्होंने बहुत से लोगों की नीड्स को केटर करना होता है। ठीक हो गया जनाब, ये तो हमने आज डिस्कस किया कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, इसके पर्क्स, थोड़ी पॉजिटिव बातें, थोड़ी नेगेटिव बातें, लेकिन हमारा बिल्कुल पर्पज ये नहीं था कि हम डिस्करेज करें। हम एक जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि किस तरह के फैमिली स्ट्रक्चर में आपका बच्चा रेज हो रहा है। अच्छा जनाब, अगला हमारा जो टॉपिक है उसको भी इसके साथ थोड़ा रिलेट कर लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत, चाहे वो सोसाइटी से हैं, फैमिली से हैं, इंडिविजुअल से हैं, बहुत सारी हमारी मेजर इश्यूज बेशक जिसमें हम डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को रिलेट करें तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो पूरी नहीं होती तो बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ लीड कर जाते हैं, एक डीमोटिवेटेड सा आपका एक एटीट्यूड बन जाता है। इस तमाम से सिनेरियो पर डिस्कशन करेंगे डॉक्टर आफ़िया, आपसे ही आवाज़ करेंगे हम, चूंकि बात करते हैं कि नॉर्मली हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए या नहीं। देखिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस के बगैर एक सोशलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट इम्प्लिसिटली, यानी ये कि आप जाहिरी तौर पर नहीं भी आपको मैसेज मिल रहा लेकिन आपका माइंड आपको मैसेज दे रहा होता है एक्सपेक्टेशंस का, तो उसमें यह है कि देखिए एक मुआशरा ही नहीं बनेगा अगर एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। अगर आपको अपने पेरेंट्स से इम्प्लिसिटली बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो हमारी बहुत सी जरूरियात का ख्याल रखेंगे, हमसे प्यार करेंगे, अनकंडीशनल लव देंगे, रिगार्ड देंगे, इसी तरह उनको अपने बच्चों से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि वो हमारा बड़े होके ख्याल रखेंगे, ये कहीं लिखा नहीं होता, ये एक्सपेल्ड आउट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हैं और इसी से सोशलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और हमारी मॉरल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। तो अगर हम इसको देखें कि एक्सपेक्टेशंस, अब आपने दो तीन चीज़ें पॉइंट आउट की कि अपने आप से एक्सपेक्टेशंस, लोगों से एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटी एट लार्ज से एक्सपेक्टेशंस, तो आपको अपने आप से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो रखनी चाहिए और वही एक मोटिवेशन होती है, एक मोटिवेटिंग फोर्स होता है जो आपको फर्दर आपके गोल्स की तरफ लेके जाता है। लेकिन
उन एक्सपेक्टेशंस को बेस करना चाहिए आपकी अपनी एबिलिटीज पे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी, हाँ पर्सनैलिटी ट्रेट्स पे. अगर आप ये सोच लें कि जी मैं दो दिन में MBBS की तैयारी कर लूंगा, तो मतलब दैट इज अ वेरी अनरियलिस्टिक सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन. इसी तरह फिर अगर आप देखें कि आपको लोगों से एक्सपेक्टेशंस, हाँ उसके ऊपर आपको अपनी मेंटल कॉग्निशंस को थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहिए कि आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ क्या वर्बली बता के एक्सपेक्ट कर रहे हैं. इसमें ये आ जाता है कि जितने भी मैरिटल डिस्कॉर्ड होते हैं, मियां बीवी के आपस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हाँ जी, वो इस वजह से आती हैं कि इम्प्लिसिट होता है, कुछ जाहिर ही नहीं होता. हस्बैंड कुछ और लेवल पे सोचता है क्योंकि आपके आदमी और औरत की कॉग्निशंस का जो एक स्टाइल है वो वेरी करता है, ठीक है, डिफरेंट है, और औरत एक और स्टाइल से सोचती है. अब औरत जो चीज सोच रही है उसके हस्बैंड तक वो कन्वे नहीं हो रही, और वो समझ रही है कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, ये उसकी एक्सपेक्टेशन होती है अपने हस्बैंड की तरफ. इसी तरह हस्बैंड की वाइफ की तरफ एक एक्सपेक्टेशन होती है जिसको वो वर्बली नहीं बता रहा होता. तो वो यही होता है कि हम काउंसलिंग में, हाँ जी, हम बताते हैं कि भी आप यू कम अप विद योर एक्सपेक्टेशंस, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने लाइफ पार्टनर से. तो ये चीजें जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये डिस्कॉर्ड या रिजेंटमेंट का बायस बनती हैं, और इसकी वजह से फर्दर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स आती हैं. फिर कमिंग टू द थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज सोसाइटी. अब सोसाइटी से आप एक्सपेक्ट करते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सोसाइटी यू आर लिविंग इन. जैसे अब हम रह रहे हैं जिस सोसाइटी में, तो एक ओवर द जनरेशंस एक हमारे माइंड में एक परसेप्शन बन गया, हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है. अब जो हालात हैं, सॉरी टू से, जो हालात रहे या हैं, अब हम बहुत देखें जिस तरह लोग जस्टिस एक्सपेक्ट करते हैं बाहर के मुल्क में, कि वो जो है मैजिकल वॉन्ड से जस्टिस मिल जाएगा. अब एक समबडी लिविंग इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री वुड नॉट एक्सपेक्ट जस्टिस. अगर वो जस्टिस एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो मैजिकल थिंकिंग में, जो कि एक 7 साल के बच्चे की होती है, जो मैं सोच रहा हूँ वो हो जाएगा. तो इस तरह की चीजें एक्सपेक्टेशन, हाँ आप कुछ चीजें एक्सपेक्ट करते हो सोसाइटी से कि आपको लोग रिगार्ड करें, या आप माशरे में जो है वो आपकी इज्जत हो, मगर वो एक्सपेक्टेशन एट लार्ज होती है, और अगेन वो आप उस हद तक रखते हो जिस हद तक आपकी वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है. अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो मेरे ख्याल में एक्सपेक्टिंग टू मच वुड बी अ मैजिकल फॉर्म ऑफ थिंकिंग, जो आपको रिजेंटमेंट में लेके जाएगा, फ्रस्ट्रेशन में लेके जाती है. अच्छा, हमारे साथ कॉल है जी ज़ेबा. अस्सलाम वालेकुम. जी ज़ेबा, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैं, मेरा सवाल ये है कि बच्चा जब 8 साल पहले से समझे कि उसकी 7 साल की एज थी, तो उससे पहले हमारे घर का माहौल ये था कि मैं बहुत चीखती थी, हर वक्त लड़ाई करती थी. अब 1 साल से मैंने ये काम छोड़ दिया, क्या आस्ता आस्ता उसके जेन से ये सारी चीजें निकल जाएंगी अगर मैं माहौल अच्छा रखूंगी तो? ठीक हो गया ज़ेबा, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग. अभी आपका जवाब लेते हैं डॉक्टर जुवेरिया. बिल्कुल ऐसा है. देखिए, बच्चों के लिए माँ जो है ना बड़ी आइडियल पर्सनालिटी होती है. अगर माँ उनके सामने ये बताएगी कि लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं कि वो इसको एडमिट करे बच्चे के सामने कि हाँ मैं इस बात पे गलत थी, लेकिन अगर वो एक कंपैरिजन में बताएगी ना, हाँ जेस्चर अपना, हाँ अब वो कंपैरिजन में बताएगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा करते थे, अब मैं ऐसा कर रही हूँ, तो फिर ये चीज़ बेहतर होगी. हाँ, अपने आप को एक छोटे से बच्चे के सामने पूरा गलत मत कहें. इस तरह कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा ये चीज बिल्कुल माइंड में कैरी करेगा कि हाँ मेरी माँ गलत है, और कभी जब आप ठीक फैसला करेंगे तो भी समझेगा कि ये गलत करती रही है और ये भी गलत कह रही है. इसलिए आपने उस चीज को छोड़ दें, बच्चा जो हो गया वो हो गया, लेकिन बच्चा भी एक नरम पर्सनालिटी रखता है, अपनी माँ के लिए एक नरम गोशा भी रखता है, और वो बहुत ज्यादा स्पेस भी मांग देता है, और ऐसा चीजों को मोल्ड करें और ठीक तरफ की तरफ ले जाएं. बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर आंसर करना चाहूंगी ज़ेबा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ टेलीविजन पे आके ये कहना कि मेरे से गलती होती थी और मैंने उसको ठीक किया अपने बच्चे की खातिर, और आप ये कंसर्न्ड हैं कि वो 7 साल का जब तक था तो उसने ये देखा, और अब मैं ये परेशान हूँ कि अब मैंने जब 1 साल से बदला है तो वो होगा कि नहीं. सो आपकी तब्दीली का सफर तो आगाज आपका खुद से हो चुका है क्योंकि आपने वो रियलाइज कर लिया, क्योंकि 7 साल तक बच्चे ने जो देखा है ऑलरेडी आपने जो बताया वो काफी क्रूशल था. सो अब थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगी, आपने 1 साल से बदला है, अब आपको कॉन्स्टेंट बदलना पड़ेगा. जो छोटी छोटी चीजें थी जो अब आप एक दफा करने से जो डेवलप हो जाती थी, अब वो क्योंकि गलत डेवलप हो चुकी हुई हैं. 8वें साल में जब बच्चा आता है तो उसके सिनेप्सिस ऑलरेडी डेवलप मोस्टली 97% हो चुके हुए होते हैं, ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत ज्यादा एफर्ट लगेगी. और कंसिस्टेंट पॉजिटिव बिहेवियर से आप जो गलत हो चुका है उसको ठीक कर सकती है, बहुत कंसिस्टेंट से. पर हौसला भी रखिएगा, इस बीच में
काफी सारे जो हिंड्रेंसेज आएंगे कि आप देखेंगे कि वो जो हो चुका है वो बार बार उभर के बाहर आएगा। हौसला रखिएगा, बट यस आपने ठीक किया है तो पॉजिटिव तवक्को पॉजिटिव रखिए क्योंकि आप ठीक कर चुकी हुई है, तो हो जाएगा, मगर थोड़ा सा जरा हौसला रखना पड़ेगा और ज्यादा पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट करनी पड़ेगी। ठीक हो गया, बेहतरीन हो गया डॉक्टर साहब। अभी मालवी ने कहा तवक्को अच्छी रखें, हम नॉर्मली कहते हैं अच्छी तवक्कोआत रख तो अच्छा ही होता है, खुदा ना खास्ता अगर आपकी तवक्कोआत के मुताबिक कुछ नहीं होता, हैंडल कैसे करना है, डीमोटिवेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें लीड करती है, हैंडल कैसे किया जाए कि अगर आपने कुछ पॉजिटिव चीज भी एक्सपेक्ट किया है समटाइम्स वो भी पूरी नहीं। देखिए ये बड़ा अच्छी बात आपने की है कि आपने अपनी और दूसरों की बाउंड्रीज को डिफाइन करना होता है। आई एम आई कि मैं हूँ, अगला है, यू आर यू। हम कई दफ़ा अपनी बाउंड्रीज को इतना इंटरमिंगल कर देते हैं, हम कहते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, और वो अगले से ऐसे लगा लेते हैं कि उसके माइंड में भी हमारे वाला एक ब्रेन है और वही थॉट प्रोसेसेस वो भी सोच रहा है। ये नहीं होता। एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी कभी पूरी होती हैं कभी नहीं होती, और इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, बहुत से मीडिएटिंग मॉडरेटिंग फैक्टर्स होते हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि क्यों नहीं हुई। अगर नहीं हुई भी तब भी एक चीज है तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कल करना बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली, और ये एक बफरिंग फैक्टर है आपको ग्रैटिट्यूड, हम पहले भी बात कर चुके हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की, कि तशक्कुर ग्रैटिट्यूड आपका एक बफरिंग फैक्टर है। अगर कोई चीज नहीं हो रही तो देन अगेन बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ जो पॉजिटिव है, और एक जो नहीं हो रही उसके आप फैक्टर्स फाइंड आउट करें कि क्या वजूहत है, वेदर दे आर एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स। अगर इंटरनल है आपके बस में है तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अगर एक्सटर्नल है तो फिर अल्लाह पे छोड़ें। बहुत सी कोपिंग जो हम देखते हैं, रिसर्च कहती है कि रिलीजियस कोपिंग इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कह लें बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ कोपिंग जब चीजें आपके हक, मतलब हाथ में नहीं होती, तो अल्लाह खुद ही बेहतर करता है। और एक कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि आप जो चीज कई दफा आप गुमान रखते हैं, पॉजिटिविटी का गुमान रखते हैं, तो चीजें वैसी होनी शुरू हो जाती हैं क्योंकि ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर वैसा होना शुरू हो जाता है, आपकी सोच वैसी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव सोच, ऑप्टिमिस्टिक सोच, ग्रैटिट्यूड वाली सोच, और बहुत सी जो अच्छी पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो हम कह लें कि पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, वो होना, वर्चुअस होना बहुत जरूरी है इंसान के अंदर, तो वो फिर एक्सपेक्टेशंस अगर नहीं भी पूरी होंगी तो वो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स में नहीं जाएगी। मिला एक होता है, मैं इसको टॉपिक को थोड़ा सा तवक्कोआत के टॉपिक को एक्सप्लेन करती हूँ आपको। एक होता है, अगर हम समझे दो बड़े सर्कल्स लगा लीजिए, एक होता है आपका दायरा इख्तियार, ठीक है, जिसको आप सर्कल ऑफ अपना जो है वो इन्फ्लुएंस कहते हैं, ठीक है, उसके बाहर होता है आपका दायरा असर जिसको आप कहते हैं द सर्कल ऑफ जो कंसर्न जिसको आप कहते हैं, ठीक है। दायरा इख्तियार थोड़ा होता है, अल्लाह ने इंसान को इख्तियार कम दिया है, सिर्फ अपने आप के ऊपर दिया है, ठीक है, और दायरा असर जो बाहर से हम चीज लेते हैं, ठीक है, सर्कल ऑफ कंसर्न वो बड़ा होता है, ठीक है। अच्छा, अब मजे की बात ये जो साइकोलॉजिकल टर्म ये कह रहे हैं, आपका दायरा इख्तियार सॉरी आपका दायरा असर जितना बड़ा होता जाता है, आपको लगता है अगर ये तो इतना ही था लेकिन वो अगर मैंने बढ़ा लिया तो ये उसके मुकाबले में छोटा लगेगा ना, आपको लगता है कि मेरा दायरा इख्तियार छोटा लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो जो आपका दायरा असर है उसको और अपने दायरा इख्तियार को अगर आप एक रियलिटी में नापेंगे, बैलेंस रखेंगे, अर्मिला, ये आपका इख्तियार कभी असर से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन आपका असर जो है आपको ये अंदाजा रखना है कि मेरा इख्तियार इसमें है, जितना मैं इसको फुल करके रखूंगा, अपनी फुल पोटेंशियल पे अपने इख्तियार को इस्तेमाल करूंगा, उतना मेरा दायरा असर मुझे बड़ा, मतलब मुझे थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। सो आप उसमें खाली नहीं लगेंगे, सो तवक्कोआत आप तब बेहतर करते हैं या तवक्कोआत आप रखें, ये मत सोचे कि आप अपने दायरा असर को चेंज नहीं कर सकते। मैं नहीं चेंज कर सकती अगर हर बंदा आके रेड लाइट तोड़ना शुरू कर दे। दायरा असर में ये है कि अगर आपकी वही स्पिरिचुअलिटी, देखिए हम मेंटल हेल्थ को अब स्पिरिचुअली भी डिफाइन करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में आ जाता है कि अगर आप कहते हो कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरे से बड़ी हायर ऑर्डर अथॉरिटी के इख्तियार में है, तो अगेन वही फैक्टर्स आ जाते हैं कि आप एक हायर अथॉरिटी को अपनी इख्तियार उसके हाथ में दे रहे हो, एंड देन यू फील कि आप रिलैक्स्ड हो, आपके अंदर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के फीचर्स। ये मतलब दायरा असर एक्चुअली सोसाइटी में डेवलप करना होगा। हमारे साथ कॉलर ने मुनज्जा की, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या कहना चाहेंगी? मैडम मैं अपनी बच्ची के हवाले से बात करना चाह रही हूँ आपसे। मेरी बेटी 13 इयर्स ओल्ड है, ठीक है,
और उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे बच्चे होते हैं मुकम्मल एबनॉर्मल, वो मुकम्मल एबनॉर्मल नहीं है, लेकिन उसके साथ ये मसला है कि वो बाकी बच्चों जैसे भी नहीं है। अच्छा। जैसे बच्चे हेल्दी होते हैं, जैसे उसको मतलब अपने वो 8th क्लास की स्टूडेंट है, उसको अपने आप को कैरी नहीं करना आता, अच्छे बाल नहीं अपने फिजिकली आप कह रही हैं वो वीक है या कुछ उसका और इश्यूज हैं कि वो बात को देर से समझती है, किस तरह का? जी बिल्कुल इसी तरह से, बात को देर से समझती है, ठीक है। उसके एक्सप्रेशन जो है वो भी मतलब मुझे, मैं जाहिर है माँ होने के नाते मैं बड़ी टेंस हूँ क्लास में बच्चियों के साथ। तो मुझे ये बताएं कि जो पढ़ाई में वो बच्ची कैसी है? पढ़ाई में पहले बहुत अच्छी थी, पहले बहुत अच्छी थी, पोजीशन होल्डर थी बिल्कुल, अब आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, और मैथ तो उसका बहुत ही प्रॉब्लमेटिकली सब्जेक्ट बनता जा रहा है। उसको शुरू से प्रॉब्लम थी? अच्छा, बात समझने की भी उसको शुरू से ही प्रॉब्लम थी? नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसकी चीजें खराब हो रही है, आहिस्ता वो चीजें ज्यादा हो। तो आपने, सॉरी मैं आपको ज्यादा आपसे क्वेश्चनिंग कर रही हूँ, कि आपने डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट किया, किसी साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट किसी के? मैंने एक दफा मैं लेके गई थी मैडम, एक्चुअली ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं कि अब मुझे ये तो पता नहीं है कि आपकी फीस कितनी है, डॉक्टरों की 3,000 एक सेशन की फीस है, ठीक है, मैं अफोर्ड नहीं कर पाती, मैं खुद भी कैंसर सर्वाइवर हूँ, जाहिर है आपको पता है ये अपना ही ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है। मैं एक दफा लेके गई। अच्छा मुनज़्ज़ा, आपकी जो डिटेल्स हैं काइंडली आप नीचे पीसीआर में जरूर लिखवा दीजिएगा, जिन्होंने आपकी कॉल हमारे तक की है, आपको डॉक्टर राफिया मारवी कोई भी गाइडेंस देना है वो अभी विलिंग है, तो आप प्लीज अपनी डिटेल्स दे दीजिएगा, आपसे बकायदा तौर पर आपसे रابطہ करके आपको कर लिया जाएगा। लेकिन ये केस मुझे कोई उसमें वो दी जाएगी, फैसिलिटी दे दी जाएगी, बिल्कुल आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। काइंडली आप मेरे अभी आपको अभी कैंसर का उन्होंने बताया, अपने आखिरी जुमले में आपने अपनी जो बेटी है उसकी कंडीशन को की वजह खुद बता दी है। देखिए आप कैंसर पेशेंट हैं, कैंसर सर्वाइवल है, और वो पिछले कुछ सालों में ये बच्ची ने देखा होगा किस तरह आप स्टेजेस से गुजरी है, आपकी मेडिकेशन कीमोथेरेपी इस तरह की चीजें, और फिर माँ कितनी देर माँ का सर पे साया है नहीं है, वो एक अनसर्टेनिटी में रहती रही है, उसको ये नहीं पता कल, आज मैं अपनी माँ को देख रही हूँ कल नहीं है, तो वो इस खौफ से बड़ी हो रही है। और कुछ देर पे आपने बताया कि जैसे पहले बच्ची बहुत अच्छे नंबर लेती थी, फिर वो घर में इन्वॉल्व हो गई तो मुश्किलात शुरू हो गई, तो इसमें आप बच्ची को 13 इयर्स 8th क्लास, तो बच्चे का हार्मोनल चेंजेस भी अच्छी होती है, बच्चियां ग्रोइंग एक उसमें जा रही थी, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बच्चियां बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं, और आपके घर में तो चूंकि वो बहुत परेशान रही है, वो ओवर सेंसिटिव है, इस चीज को बहुत नरमी से लेके चलें, उसके अंदर एक उम्मीद जगाएं अपनी तरफ से, जब वो खुद कैरी करना भी सीख लेगी, जब उसको पता चलेगा कि मेरी सांस है, आपको सिखाना पड़ेगा दोबारा तरफ लेकर जाना है, तो डेफिनेटली मैं आप तीनों का शुक्रिया अदा करूंगी, लेकिन मुनज़्ज़ा की डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी, आप में से जो भी उसको कैटर करना चाहे। जनाब हम आपसे इजाजत लेंगे, और आज के टॉपिक हमने जो डिस्कस किए डेफिनेटली आपके किसी ना किसी काम हम थोड़ा बहुत आए होंगे, आपसे मुलाकात होगी कल, हमें फेसबुक पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और इनके शो मिस किया तो शाम 5 बजे और रात 1 बजे रिपीट भी होगा, आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।